हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे एएलटी वर्सेस टी के जेड एल के बीच जो मैच होने वाला है यहाँ पे शार्टजार टी टेन का इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी एज ऑलवेज आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो जल्दी से वीडियो कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा नहीं तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है फेंटैसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम के जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको करना क्या है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको ज्वाइन कर लेना है तो ध्यान रखना है अगर आपको हमारे टेलीग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो ध्यान से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जैसे मैंने आपको बताया अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे और एक चीज जरूर ध्यान रखना जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो सर्च करके ज्वाइन मत करना अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे तो किसी गलत या फेक चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो लिंक का ही यूज करना जो भी तक ये होते हुए हो थे टी ट्वेंटी वाले ये टी टेन मैच है दस ओवर का ध्यान रखना और तो टी ट्वेंटी का थोड़े दिन पहले इनका टूर्नामेंट खत्म था तो सेम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं और बैटिंग के लिए काफी अच्छी पिच है अगर कोई टीम स्कोर करना चाहता तो अच्छा स्कोर कर सकते टी ट्वेंटी वाले टूर्नामेंट में देखा और यहाँ पे अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट स्मॉल लीग में थोड़ा कम ही रखना ग्रैंड लीग में मेन फोकस रखना ज्यादा बढ़िया रहेगा ग्रैंड लीग के लिए मैच और दो तो से तीन टीम दे दूंगा आपको बाकी टेलीग्राम पे दूंगा फाइनल टीम स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की और दूसरी बात की जाए तो वेदर क्लियर है रेन का कोई भी चांस नहीं है तो इंटरप्शन नहीं होने वाली बाकी पॉसिबल प्लेइंग इलेवन जो रहने वाली ए एल की वो ये रहेगी रजित मनी एक्सपेक्टेड है ओपनिंग करने आएगा अभी आपने टी वाला टूर्नामेंट होगा उसमें आपने इसको देखा होगा सिर्फ एक आधा ही मैच खेला था बट जैसे टी वाला टूर्नामेंट आता है उसमें रजित मैन्यू की वैल्यू रजित मनी की वैल्यू अलग बढ़ जाती है और इसमें इसने पास्ट में पास्ट ईयर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया दस दस ओवर के मैच में एक्सपेक्टेड ओपन करेगा चार मैच में छप्पन रन बनाए हैं लास्ट कहते हैं कुछ मैचेस में और टी टेन और टी ट्वेंटी में ध्यान रखना आपको कई प्लेयर के आगे टी टेन टी ट्वेंटी दिखाई दिख रहा होगा के आगे डोमेस्टिक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा तो ये टी टेन टी ट्वेंटी का मतलब है कि अभी रिसेंट में आ, हर साल आपको पता है दो बार जरूर टूर्नामेंट होता है उनका दस दस ओवर का और एक अभी बीस बीस ओवर का इन्होंने इसी साल से चालू करा था तो ध्यान रखना रजित मनी वो टी टेन और टी ट्वेंटी दोनों के स्टार्ट के चार मैच में छप्पन रन और खाली शाह ने पांच मैच में एक सौ तेईस रन दिए बनाए और पांच और टी टेन और टी ट्वेंटी दोनों के तो खाली शाह आपके पास एक ऐसा ऑप्शन इसको वाइस कैप्टन दे सकते हो क्योंकि रिसेंट में जो आपको पता है टी वाला टूर्नामेंट गया था उसमें खाली शाह ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी तो आप देख सकते हो लास्ट के पांच मैच से जो परफॉर्मेंस हो खाली शाह की टी ट्वेंटी वाली है एट अंडन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे पहले लास्ट टू लास्ट ईयर अंडर 19 खेला था अब यहाँ पे पांच मैच में पचानवे रन मारे यहाँ पे लास्ट पांच मैचेस में टी ट्वेंटी और टी टेन में मिला के बाकी एस कल्याण के बारे में बात किया जाए तो पांच मैच में तिरसठ रन है जहां कोई भी विकेट नहीं मिला ये टी के स्टार्ट से कल्याण के बाकी यहाँ पे है एन केशवानी जो कि अभी रिसेंट अभी जो अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप इंडिया जीती है उसी में खेल रहा था यहाँ पे यू की तरफ से और वहां इसने एज एन ऑलराउंडर काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी पांच मैच में साठ रन बनाए और चार विकेट्स लिए तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑलराउंडर सेक्शन में केशवानी को पिक करने जा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलराउंडर का रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे मिड ऑर्डर पे बाकी यहाँ पे है मुद्दरसर पांच मैच में अठारह रन छह विकेट्स लिए हैं और ये टी टेन और टी ट्वेंटी दोनों के स्टैट्स तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे मुदस्सर को इंपॉर्टेंस देने वाले और मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे मुदसर तो मैं मुदस्तर को अपनी टीम में जरूर लेने वाला हूँ क्योंकि पांच मैच पर छः विकेट्स निकाले हैं और कहीं ना कहीं अठारन बैटिंग से स्कोर किया तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनने वाला है हमारे लिए बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुदसर एन अजीज भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो लास्ट पांच मैच से सिर्फ तीन ही विकेट निकाले ज्यादा विकेट्स नहीं निकाल पाया टी और टी में और बैटिंग से सिर्फ पाँच ही रन मारते तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन रट भरे ही हाई है आ, वो, हो सकता है कि आज अच्छा कर जाए बट उससे पास के परफॉर्मेंस हो गए लास्ट पांच मैच में सिर्फ तीन ही विकेट निकाले सिर्फ मुदस्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मुदस्सर ने पांच मैच में छह विकेट निकाले हैं एम एहसान के बारे में अगर बात किया तो उनतीस मैचेस में बयालीस विकेट निकाले हैं ये इसके डोमेस्टिक के स्टैट्स ध्यान रखिए चलना उन्तीस में बयालीस तो डोमेस्टिक के स्टैट्स काफी अच्छे ऑलराउंडर सेक्शन में दिया हुआ टीम में पिक कर सकते हो एसअुल असदुल्ला के बारे में बात किया तीन मैच में तीन विकेट्स है टी और टी में बाकी है जैट जुहेद जहेब पांच मैच में चार रन बनाए जहां कोई भी विकेट मिला लास्ट के पांच मैच में और टी ट्वेंटी और टी टेन में तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही एक भी विकेट नहीं निकाल पाया लास्ट टी टेन में बाकी जो प्लेयर बाहर बैठे उनके स्टैट्स ये इनके अवेलेबल नहीं है जिसमें जीत जमान है इब्राहिम है और यहाँ पे अब्दुल्ला है ठीक है बाकी इंपॉर्टेंट बोलोगे तो मिलने बनेगा रजीत मनी खुशदिल शाह खुदिल शाह यह कहते हैं खालिद शाह और टंडन केशवानी मुदसर बॉलिंग में आप यहाँ पे एहसान और असदुल्ला को ट्राई कर सकते हो के जे डल एस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक्स मकसूद आपको एक्सपेक्टेड ओपन करते हो नजर आ सकता है पर लास्ट पांच मैच में सिर्फ दस ही रन स्कोर कर पाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है और इसलिए टी टेन और टी टे ट्वेंटी के स्टार्ट है एच ईशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अभी जो रिसेंट टी ट्वेंटी टूर्नामेंट गया तो आपने इसको बैटिंग करते हुए देखा होगा पहले ही मैच में एटी सिक्स रन मारे थे उसके बाद थोड़ा ज्यादा स्कोर नहीं करा बट स्टिल लास्ट के पांच मैच में इसने टी ट्वेंटी में एक सौ अड़तीस रन मारा है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए वाइस कप्टनसी की अच्छी पिक बने वाला पर ध्यान रखना बॉलिंग नहीं करता आपको ऑलराउंडर में दिया होगा बाकी ए सक्सेना जो विकेट कीपर में दिया हुआ है आपके लिए आ, गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है बहुत ही कम सिलेक्शन रेट है और 26 मैचेस में तेरह सौ रन बनाए हैं डोमेस्टिक में तो डोमेस्टिक के स्ट्रैट संभाले बस इन्फॉर्मेशन के लिए उस पर इतना रिलाई नहीं कर सकते हो तो ध्यान रखना ग्रैंड लीग में ज्यादा प्रेफर करोगे तो बैटर रहेगा सक्सेना प्लस यहाँ पे है एम गुल आपको दिखाई देगा बैटिंग सेक्शन में तिहत्तर मैचेस में चौदह रन स्कोर किया और पचहत्तर विकेट्स निकाले हैं तो पर मैच एक विकेट और बैटिंग से देखोगे तो बीस के की के एवरेज एवरेज तो अगर आपको ट्राई करना है गुल को तो मैं बैटिंग सेक्शन आपको ग्रैंड लीक के लिए प्रेर कर सकता हूं नियाज खान ऑलराउंडर में या इंपॉर्ट बनेगा क्योंकि अभी रिसेंट में जो टी ट्वेंटी वालन का शार्ट जगह गया उसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी आपको मैंने बताया भी था और उसने हमें मिनी ग्रैंड लीग भी विन करवाई थी एक दो मैच इसमें और ये पाकिस्तान का प्लेयर है वैसे छह मैच इसमें एक सौ रन बनाए हैं बारह विकेट्स लिए हैं टी ट्वेंटी में तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस अलग से बढ़ जाती है कैप्टनसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट पिक आपके लिए एन खान रहने वाला है देन आता है एस सिंह कंग अब पांच मैच में चौदह रन सात विकेट निकाले अभी रिसेंट टी ट्वेंट टी ट्वेंटी की है तो ये अलग से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बैटिंग सेक्शन में दिया पर एक मेन बॉलर है और बैटिंग थोड़ी बहुत करता है पर उतनी ज़्यादा नहीं करता वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो बाकी एस आबिद ने चालीस मैच में एक रन अड़तीस विकेट ये डोमेस्टिक के स्टैट्स हैं तो सिर्फ डोमेस्टिक के बेस से इसको इतना प्रेफर नहीं करा क्योंकि बैटिंग में मुझे कुछ खास स्टैट्स लगे हैं और बॉलिंग से पर मैच एक ही विकेट निकाल पाया आई यूसुफ यूसुफाई के बारे में बात किया तो लास्ट पांच मैच में सिर्फ तीन ही विकेट निकाले लास्ट टी टेन और टी में बाकी ओ रहमान दो मैच से दो विकेट तो पिक कर सकते हो यू रहमान ने पाँच मैचों में दस रन तीन विकेट्स ये लास्ट टी टेन और टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी परफॉर्मेंस है और अगर बात करोगे तो बेंच में ए लतीफ़ बैठा है जो इसमें डोमेस्टिक में बाईस मैचों में सिर्फ एक सौ बारह रन ही नहीं मारे तो इंपॉर्टेंट तो 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 नजर नहीं आया देसाई ने लास्ट टी टेन मैच में एक मैच में एक, एक विकेट लिया बाकी है बाकी एम ईशा एस रियाज एफ एफ रिदी एन मुस्लिम यार और यहाँ पे ए स्माइल के स्टैट्स अवेलेबल नहीं है बाकी अगर बात की जाए तो मेले रहेगा यहाँ पे ईशा खिल इंपॉर्टेंट नियाज खान इंपॉर्टेंट कंग इंपॉर्टेंट बॉलिंग में ओ रहमान इनको पिक कर सकते हो यहाँ पे आप के जे डल एस की टीम ध्यान रखना इस टीम को आप किसी भी ऐप में लगा सकते हो आपको पता है कि ए, आ, कुछ रीजनस की वजह से अदर ऐप को हम शो नहीं कर सकते तो ये ऐप में कोई बिंदास कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम खेलते भी हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इस ऐप में टीम लगा सकते हो और इस जो मैं टीम दे रहा हूँ क्रिएट का इशू किसी भी ऐप में नहीं आ रहा किसी ऐप में लगाना चाहो तो लगा सकते हो कोई भी ऐप हो ठीक है समझ गए होंगे आप कोई भी ऐप के बारे में ठीक है तो फिलहाल मैं आपको बताया तो यहाँ पे एक टीम दे रहा हूँ दो ग्रैंड लीग की दे रहा हूँ फिलहाल से आपको बाकी मैं आपको जो तीन दूंगा ग्रैंड लीग की टीम वो टेलीग्राम पर दूंगा बाकी अगर बात की जाए तो स्मॉल लीग की टीम मैंने ये ग्रेड के समय ज़्यादा चेंज कर सकते हो खाली शाह को मैंने लिया है सक्सेना को ग्रैंड लीग में प्रेफर करेंगे म वनी को लिया है यहाँ पे मैंने लिया है अंश टंडन को और कांग को आपके पास जो ऑप्शन है बैटिंग सेक्शन में उसमें कल्याण को ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे और मकसद भले ओपन करके बट इसके स्टैट्स कुछ खास नहीं और इतना अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं लास्ट ईयर कुछ पांच मैचेस में और गुल ग्रैंड लीग के पिक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग बाकी मैंने लिया यहाँ पे जमान और ईशा के इंपॉर्टेंट स्टैट्स अवेलेबल नहीं है एहसान को लिया है ईशा खिल को लिया केशवानी को लिया और यहाँ पे नियाज खान को लिया है बाकी लतीफ़ के भी स्टैट्स कुछ अच्छे नहीं है और ऐसा आबिद के भी स्टैट्स ठीक है बट ग्रैंड लीग में रिस्की टीम में ट्राई कर सकते हो बाकी यू रहमान मुदसर और एस अब्दुल्ला को अब्दुल्ला को लिया है बाकी आप एसअबुल्ला के जगह न्याज के साथ जा सकते हो तो एक चेंज ये कर सकते हो और यूसुफ यूसफाई ग्रैंड लीग के पिक बन सकता है ओ रहमान को पिक कर सकते हो ठीक है तो इनको कुछ प्लेयर को आप पिक करना चाहो तो कर सकते हो डेफिनेटली यहाँ पे तो फिलहाल मैं ये पिक कर लेता हूँ कैप्टनसी में देख के जा रहा हूँ यहाँ पे नियाज खान को वाइस कैप्टनसी में खाली शाह का कहते हैं के ऑप्शन जो है इसमें है एच एशिया खेल एस सिंह कंग और यहाँ पे रजीत मनी तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे ग्रैंड लेग की टीम वन जो बनाई जो मैंने वो ये बनाई है यहाँ मैंने विकेट कीपर में सक्सेना को ट्राई करा है और यहाँ पे मैंने वाइस कैप्टनसी ईशा खोल के दी और बॉलिंग सेक्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं करे ग्रैंड लेग की टीम टू मैंने क्या चेंज करा आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे यहाँ पर मैंने कप्टेंसी रजीत मनी और वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मैंने कंग को जो थोड़ी रिस्की टीम बनाई है यहाँ मैंने एहसान को वापस लाया हूँ और यहाँ पर मैं अजीज़ को ट्राई कराया है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक टीम है ओ रहमान को ट्राई करना है रहमान की जगह यू रहमान की जगह ओ रहमान को तो यहाँ पे ध्यान रखें चलना ये चेंज अब कर सकते हैं तो इस मॉलिक की टीम दो ग्रैंड लिख की टीम थे बाकी फाइनल जो स्मालिक प्लस ग्रैंड लिख की टीम होगी आफ्टर तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना उसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट पर मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको ज्वाइन कर लेना है तो मिलते हैं फिर फाइनल टेलीग्राम पे और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हो तो बाय बाय दोस्तों